शिवपुरी जिले के मामूर कला अंतर्गत पत्नी ने पति से खाना खाने की बात कहा तो पति ने पत्नी की नाक काटी, पति ने ब्लड मंगा कर दिया हमला। शिवपुरी जिले के मामूर थाना अंतर्गत एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक युवक ने अपनी पत्नी की नाक काट दी। महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, उसका इलाज चल रहा है। महिला की नाक काटने से पहले पति ने उसके और बेटियों के साथ मारपीट की। महिला ने पति की प्रताड़ना से तंग आकर कुछ दिनों से ससुराल निवास कर रही थी। बताया जा रहा है कि पति और पत्नी के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था और महिला की दो बच्ची भी हैं, जिनको लेकर वो कुछ दिन पहले ससुराल आई थी। तभी आज ये मामला घटित हुआ। घरेलू विवाद में व्यक्ति ने चाकू से अपनी पत्नी की नाक काट दी और घर से फरार हो गया। पुलिस तलाश कर रही है। बताया जा रहा है कि विवाह के कुछ समय पश्चात पूजा वंशकार पति राम प्रवेश वंशकार आए दिन शराब पीकर पत्नी से मारपीट करता था, साथ ही वो अपनी बेटियों के साथ ससुराल में रह रही है। रसोई बनाने का कार्य कर परिवार का भरण पोषण कर रही है। पत्नी ने बताया कि पूजा वंशकार ने मुझ पर जान से मारने की नीयत से हमला किया और उसने अपने परिजनों से ब्लड मंगवाई और मुझ पर हमला कर दिया। मैं गंभीर रूप से घायल हो गई। मौके पर सूचना पर डायल 100 को दी गई, जिसके बाद महिला को खनिया थाना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है, जहां पर उसका इलाज जारी है। कौन मारता है? आदमी मारता है, सभी मारता। पति आपका? हाँ, पति। किस बात पे ऐसे मारता है? हर वजह से, न खाने की कहती हूँ, सब्जी नहीं है, लोग नहीं है, मिर्ची नहीं है, तो बस ऐसे मारने के लिए धमकी देता है। जो नाक काट दूंगा मैं तो जान से मार दूंगा इसको। जाए भैया के हर देर भगा दे तो हर घर के दाए जो नहीं दाते बाई में जो नहीं दा वो नहीं दा सो जन मोड़ी चली जाती। दो मोड़ी में जाती, एक 3 महीना की है, एक 2 साल की, 2-3 साल की। फिर क्या हुआ? फिर उसने जाए 4-5 बार मार मार के भगा दे तो जो फिर जा भैया मैं रणगढ़ी हूँ सुनो न आ जाती। अब भैया तो तुम जानते ही हो जितने साथ दे वो देख दे। फिर जन रह कह रह के करामत आई मैं तो अपने घर जा चले गई। 3 महीना आज क्या घटना घटित हुई? आज क्या हुआ है? आज तो जो यहाँ का बड़ी मोड़ी गई थी देख गई। हाँ। कि मैं अपनी ससुराल जा रही थी छोटी बहन को देखने। देख के आई सब छोटी बड़ी बहन तो अपने घर आ गई। एक जाकी लड़की रोन लगी कि मौसी मौसी मैं तेरे साथ जा रही। वो कह लगा क्या होता है ना कह गई कि इसके साथ चली जा फिर तू भी चली जाएगी। बोले थे यार तो जा कर लेके मैं चाय रोटी दे आऊँ। बोले कही तू ने खसमन से बात कर ले बस ये बात है। फिर क्या हुआ? फिर कसू ने मोड़ी बहन को पत्ती मकाई। पत्ती यहाँ जी डाली बना उसकी पत्ती टह गए और हिना बैठो सास पकड़े एक नंद पकड़े। सास को नाम पाए? सास को किसान नाम सास को। अच्छा अच्छा काम पर का पट्टी कहाँ पर मारी? पत्ती कहाँ पर मारी? चारों काट रही थी जब रोटी दे गई थी।